हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आप सब अभी मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, ज़रूर दोस्तों आप सब फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और वैगनार कार पे। दोस्तों, हमें कार को कैसे चलाना होता है, कार को चलाते वक्त हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमें कार को चलाते वक्त, जैसे कि नए ड्राइवर होते, नए लोग जो कार चलाना सीखते हैं, तो हमें कार को चलाने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें ज़रूर सीख लेना चाहिए ताकि कार को चलाते वक्त हमें दिक्कतें ना आए। दोस्तों, कार को चलाना बहुत ही इजी होता है। अगर आप कार को चलाना सीखने जा रहे हो, कहीं भी कार को चलाने के लिए सीखने जा रहे हो, ड्राइविंग स्कूल या किसी के साथ में, अपने घर पे छोटे या बड़े भाई के साथ में, या फिर किसी भी फ्रेंड के साथ में, या फिर आप ड्राइविंग स्कूल में, तो दोस्तों हमें कार को कैसे चलाना चाहिए, कैसे हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा आज इस वीडियो में कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक दिन एक नई वीडियोस के साथ में, एक नए स्टूडेंट के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में आप सभी को एक नई वीडियो मिलेगी, और उसको देख करके आप एक अच्छे ड्राइवर लखनऊ जैसे शहर में आप कार को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें सबसे पहले कार को चलाने के किन बातों पर हमें ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अभी मेरे पास ये वैगनार कार है, ये वैगनार कार मारुति सुजुकी की वैगनार कार है, 3 सिलेंडर की कार होती है, तो बहुत ही छोटी कार होती है, ज़्यादा बड़ी कार नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊंगा, सबसे पहले नीचे पैंडल होते हैं ए बी सी। ए फोर एक्सीलेटर होता है, सी फोर क्लच होता है, बी फोर ब्रेक होता है। दोस्तों, हमें ये 3 पैंडल जो ऐसे होते हैं, इन तीनों पैंडल को यूज करके पैर से हमें कार को चलाना होता है। हमें एक्सीलेटर ब्रेक क्लच को कैसे यूज करना है, क्योंकि पैंडल तो 3 होते हैं, पैर 2 होते हैं, तो हमें कैसे यूज करना है। उसके बाद आते हैं लोग स्टीयरिंग पे, जैसे कि स्टीयरिंग से हम कार को किस साइड टर्न करें। हमें कार को जब भी कभी टर्न घूमना होता तो हम स्टीयरिंग का कमाल करते हैं, स्टीयरिंग हमें किस साइड घुमाना चाहिए, हमारी कार किस साइड घूमेगी। इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप सब मेरे YouTube चैनल पर बने रहेंगे और हम आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों, जब भी कभी हमें कार को चलाना होता है, सबसे पहले हम लोग कार में बैठ के सीट एडजस्ट कर लेते हैं। सीट को एडजस्ट करने के लिए जहाँ पे आप सीट पे बैठते हो, उससे के नीचे लेफ्ट हैंड से आप एक लॉक होता है, यहाँ पे एक रॉड होता है, सरिया का होता है, लोहे का होता है, एक रॉड होता है, उस रॉड को हम लोग ऊपर उठा करके और सीट को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उस रॉड को मैंने अभी लेफ्ट हैंड से उठाया है और इसको मैं आगे किया और पीछे, जितना भी आपको इसको कंफर्ट लगे कि मुझे कार सही तरीके, जैसे कि अभी मुझे लग रहा कि मेरी सीट अभी थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए, तो इसको हमने पीछे कर लिया और मैं सही तरीके से क्लच ब्रेक का यूज़ करूँगा। जैसे कि एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया और लेफ्ट साइड में क्लच हो गया, जो हमारे राइट और लेफ्ट पैर है, राइट पैर से एक्सीलेटर और राइट पैर से ही हमें ब्रेक का यूज करना होगा और लेफ्ट पैर से हमें क्लच का यूज करना होता है। दोस्तों, एक्सीलेटर से जब भी कभी हम यूज करेंगे राइट वाले पैर से, तो एक्सीलेटर से हमारी स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक जो कि राइट पैर से ही यूज करना होगा। एक्सीलेटर या ब्रेक हमें एक टाइम पे एक पैंडल यूज करना होता है, या फिर हमें स्पीड बढ़ाना होगा या फिर हमें स्पीड को कम करना होगा, तो हमारे जो राइट वाला पैर होता है उसी को मूव करना होता है, एक्सीलेटर या स्पीड, और फिर हमें पैर उठा करके हम लोग ब्रेक पर रखते हैं, वहाँ से हम लोग कार को शुरू कर सकते हैं। वही आता है लेफ्ट साइड में, हमारा जो लेफ्ट वाला पैर होता है क्लच दबा करके हम लोग गियर को चेंज करते हैं। दोस्तों, अभी मेरी कार भी यहाँ पे खड़ी है, साइड में खड़ी है, अभी हम इसको चलाना है, कैसे हमें चलाना है। तो सबसे पहले हमने सीट को एडजस्ट कर लिया, सीट बेल्ट हमने लगाया, ये सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट मैंने, ये लॉक लेफ्ट हैंड से लॉक को पकड़ा और राइट हैंड से सीट बेल्ट पकड़ा और सीट बेल्ट खींची और मैंने लॉक लगा लिया, ये आपकी सीट बेल्ट लग गई।
दोस्तों अगर हम टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का जरूर यूज करते हैं, अगर हम कार चलाते हैं फोर व्हीलर चलाते हैं तो हम लोग सीट बेल्ट का जरूर यूज करते हैं। दोस्तों ये सीट बेल्ट मैंने आपको लगाने के लिए बताई कि कैसे हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर और स्टीयरिंग और गेन लीवर के लिए मैंने बताया, ये गेन लीवर आपके लेफ्ट हैंड में होता है जो कि हमें गियर को शिफ्ट करता है, गियर हमें चेंज करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लस रिवर्स गियर होता है। जो रिवर्स में होता है उसमें एक ही गियर होता है, जो ड्राइव मोड पे होते हैं उसमें पाँच गियर होते हैं, कुछ कारें ऐसी होती हैं जिसमें कि छः गियर होते हैं। दोस्तों जब भी कभी जो अब नई गाड़ी आ रही है उनको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लच को दबाना पड़ता है, तो दोस्तों क्लच को दबा करके हम लोग गियर को चेंज करेंगे, या फिर जब भी कभी इंजन अगर हमें स्टार्ट करना पड़ता है, जो जैसे नई गाड़ी आ रही मैंने आपको बताया अभी, जब भी कभी हमें इंजन स्टार्ट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग क्लच को दबा के तभी हम इंजन स्टार्ट करते हैं, बिना क्लच के इंजन नहीं स्टार्ट होगा। तो मैंने क्लच को दबाया और चाबी से मैंने इंजन स्टार्ट किया, चाबी से एक बार दिखाइएगा कैसे हम चाबी से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी चाबी मेरी ठीक है, इसको हम बहुत ही धीरे से एक बार घुमाया स्ट्रिंग लॉक हट गया, दूसरी बार घुमाया इग्निशन ऑन हो गया, तीसरी बार घुमाएंगे तो इंजन स्टार्ट हो गया, ये आपका इंजन स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग जैसे गियर होते हैं तीन गियर होते हैं, मतलब कि तीन साइड होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक मिडल होता है, एक राइट होता है ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट और सेकंड गियर होता है, मिडल में थर्ड और फोर्थ गियर होते हैं, राइट साइड में फिफ्थ और रिवर्स गियर होता है, छह गियर हो गए, तीन गियर आगे होते हैं तीन गियर पीछे होते हैं, लेफ्ट मिडल और राइट साइड में तीन गियर होते हैं, मतलब कि तीन और तीन छह गियर हो गए आपके। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट गियर में जब भी कभी हमें कार को चलाना स्टार्ट करना होगा तो फर्स्ट गियर में हम लोग कार को चलाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया, मैं एक कदम आगे ले जाऊंगा, उसके बाद हमें कैसे क्लच को छोड़ना है, कैसे हमें क्लच को छोड़ना है, और फिर वैसे हमें कैसे एक छोटे रास्ते पर हमें कैसे कार को टर्न करना होगा। कैसे हमें यहाँ पे कार को टर्न करना होगा और कैसे हम एक पतले जगह में कार को घुमाएंगे, कार को घुमाते वक्त हमें जो राइट वाला पैर है वो किस पैडल पर होना चाहिए, कार को घुमाते वक्त हमारा जो राइट वाला पैर है वो ब्रेक पे पैर होना चाहिए। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले एक बार कार का घुमाएंगे, आप गियर पे एक बार फोकस करिएगा कैमरे को। जैसे दोस्तों मैंने क्लच दबाया और ये गियर है आपका, लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर और लेफ्ट में पीछे सेकंड गियर। दोस्तों इसको हम लोग लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट में अगर आगे करेंगे तो फर्स्ट गियर हो जाएगा, लेफ्ट में पीछे सेकंड गियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्लच दबा के लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर और फिर मैं क्लच छोड़ूंगा और बहुत एक्चुअली कार जो हमारी वो चढ़ाई पे, तो मैं हल्का हल्का एक्सेलरेट करूंगा और स्टीयरिंग को मैं राइट साइड घुमाऊंगा।